हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का लास्ट चैप्टर है मेरे दोस्त, काफ़ी खुशी हो रहा है कि हम लोग लास्ट चैप्टर पहुंच चुका है, चैप्टर नंबर 10। इसके बाद मॉडल सेट तो सारा कंप्लीट करा दिया मैंने, उसको आप देख सकते हैं, चैनल पर डाला हुआ है सब कुछ, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको पढ़िए और सारे चैप्टरों को पढ़ लीजिए। आज मैं बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन मॉडल सेट में भी थे, ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। क्लास 11th के लिए वही जैक बोर्ड के लिए देख रहे हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन को स्टार्ट, क्या बोलते हैं, चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, वही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसी से है, चैप्टर नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 जो बोलना है इसको वही बोलिए। तो आप लोग का सेकंड टर्म में आ रहा है, इससे क्वेश्चन देखे हम, बहुत सारे क्वेश्चन था तो मॉडल सेट में था, तो मान लीजिए जो मॉडल सेट में था उसको देख लीजिए, जो मॉडल सेट में नहीं होगा तो छूट जाएगा ना, इसीलिए उसको बुक से पढ़ लीजिएगा, यानी कि नोट से पढ़ लीजिएगा। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिलेगा तो कर देंगे, नहीं तो बहुत है, मॉडल सेट है, फिर उसके बाद नोट्स वगैरह है और रूरल डेवलपमेंट, इससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा, गुवाहाटी से मैं तो दे दिया हूँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, दे दूँगा, देखूँगा तो इसे। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, कंफर्मेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, या नेबरर्स, भारत और भारत के आसपास के जो भी मतलब कि देश है, कंट्री है, तो हम लोग क्या है कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखना है, एक साथ डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हम लोग कैसा रहा, भारत का कैसा रहा, पाकिस्तान का कैसा रहा, हम लोग को देखना आवश्यकता है। मान ली हम लोग ठीक है, हम डेवलप कर रहे हैं, मेरा कंट्री नहीं कर रहा, तो क्या उसका सिचुएशन क्या है, वो डेवलप कर रहा है तो मैं क्या हूँ, कंपेयर करता है ना, तो कंपेयर करने से काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि मैं पीछे हूँ, हमसे आगे होता है ना, तो उसी प्रकार कंट्री भी कंपेयर करके चलती है कि किसका GDP कितना आगे है, कौन से कौन पीछे है, कितना US डॉलर में हम लोग कितना आगे है, कितना होता है ना रैंक, तो उसी अनुसार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कंट्री कितना आगे है कितना पीछे, कंपेयर करके, तो वही कर रहा है कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखना है हम लोग को, ऑफ किसका, इंडिया का, उसके मतलब उसका एक्सपीरियंस देखना है, जो अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक भारत का क्या क्या एक्सपीरियंस रहे ना, तो वही कंपेयर कर हम लोग देखेंगे आसपास के जो कंट्री है उसके अनुसार, ज़्यादा नहीं चाइना और पाकिस्तान देखना, तो सिलेबस से पाकिस्तान हटा दिया है, केवल चाइना बच गया, लेकिन हम लोग साथ में सब कुछ देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस करेंगे किस पे, इंडिया पर और चाइना पर, क्योंकि पाकिस्तान सिलेबस से हटा दिया है मेरे दोस्त, रिड्यूस किए दिए। चलिए, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, अब पाथ देखेंगे कैसे कैसे इन लोग क्या क्या डेवलप किया, तीनों का पाथ सेम होगा क्योंकि तीनों लमसम एक ही ईयर में एक ही आसपास में क्या हो, दोनों इंडिपेंडेंस हुए थे, थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा था लेकिन सब कुछ साथ में हुआ था। देखिए, कर ऑल द थ्री कंट्री स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम, सभी का डेवलपमेंट करने का रास्ता था एक ही समय स्टार्ट हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, हम लोग भी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949, हमसे देखिए 2 साल आगे हुआ चाइना, लेकिन डेवलपमेंट वाइज हमसे बहुत आगे, मतलब 2 साल लेट से आज़ाद हुआ, हम लोग 1947 में या 1949 में आज़ाद हुआ, लेकिन क्या हुआ कि हमसे आगे है, क्यों आगे, थोड़ा सा उसका स्ट्रेटजी अलग रहा था, डेवलपमेंट करने का प्रोसेस जो है ना हम लोग से अलग रहा था, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा था, पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद टर्सरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और हम लोग डायरेक्ट प्राइमरी से सीधे कहाँ टर्सरी पहुँच गए, सेकेंडरी पर ध्यान ही नहीं दिया, अब जाकर ध्यान दिया जा रहा है, तो दिक्कत हुआ हम लोग को, तो इसीलिए थोड़ा सा हमसे आगे है चाइना। सेकेंड देखिए, सेकंड में क्या कर रहा है, ऑल द थ्री कंट्री हैव द स्टार्टेड प्लानिंग्स देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन द सिमिलर वे, और तीनों एक ही तरीका से क्या अपना स्ट्रेटजी को बनाया था, कैसे, इंडिया अनाउंस द फर्स्ट 5-ईयर प्लान, ये भी फर्स्ट 5-ईयर प्लान 1991 में, पाकिस्तान भी अनाउंस किया था अपना 1956 में, एंड चाइना भी, मतलब तीनों का एक तरह से समझे क्या डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी मतलब सिमिलर एक ही तरीका से किया था, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजिंग किया था, लेकिन सबको 5-ईयर प्लान लाए थे और 5-ईयर प्लान के तहत ही काम करते थे। थर्ड क्या है, थर्ड इंडिया पाकिस्तान एडॉप्ट सिमिलर स्ट्रेटजी, भारत पाकिस्तान एक ही प्रकार का रणनीति को अपनाए थे, हैड द क्रिएटिंग द लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट, इन लोग का क्या था कि क्या क्रिएट करना, लार्ज पब्लिक सेक्टर, ज़्यादा पब्लिक सेक्टर क्रिएट कर, पब्लिक सेक्टर जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज, तो पब्लिक सेक्टर को इन क्या करना है, क्रिएट करना है, और साथ ही साथ राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पर जो भी होता है ना, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर करिए, लोगों पर खर्च करिए, जिससे कि जन कल्याण हो, ये जनहित के लिए खर्चा करिए, यानी कि एक से एक स्कीम लाइए, गरीब को पैसा दीजिए, होता है ना, तो बहुत सारा स्कीम पर खर्चा करने के लिए सोशल डेवलपमेंट वाला प्लानिंग इन लोग का था। बोथ द इंडिया एंड पाकिस्तान हैड एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों मिक्स्ड किए थे इंडिया और पाकिस्तान भी, बट द चाइना एडॉप्टेड क्या है, कमांड इकोनॉमी मॉडल ऑफ द इकोनॉमी ग्रोथ,
कमांड इकोनॉमी कहने का मतलब कि एक कम्युनिज्म के व्यू से होता है। कम्युनिज्म के व्यू से क्या होता है ना कि सारा जो भी है ना रिसोर्सेस, वो सब रिसोर्सेस को हम लोग सरकार के पास कब्जा रहेगा और सरकार ही बांटेगी। मान लो कोई कोई खेत है, ज़मीन है, तो सारा ज़मीन सरकार के कब्जा में रहेगा और सरकार ही आपको देगी खेती करने के लिए कि आप लोग इतना इतना खेती कर सकते हैं। तो वही होता है कि सारा प्रॉपर्टी किस पे, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ही देती है सबको बराबर बराबर देती है काम करने की। तो वही होता है कमांड आज, तो उसमें कम्युनिज्म, वही कम्युनिज्म का व्यू है यहाँ पर। तो वही था आज, तो शायद आज आ चुका है इसके में भी, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड आ चुका है, मतलब प्राइवेट भी पब्लिक भी है, थोड़ा सा चेंज हो गया चाइना में भी। टिल द 1918 यहाँ तक तो क्या हुआ था, ऑल द थ्री कंट्री हैव द सिमिलर ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम, सबका पर कैपिटा इनकम भी था, ग्रोथ रेट सब कुछ सेम था। कब, 1980 तक सब कुछ सेम था। सिक्स नंबर, द रिफॉर्म वेयर इंप्लीमेंटेड इन द चाइना इन द 1978 इन द पाकिस्तान में 1988 एंड इन इंडिया में 1991। जो रिफॉर्म आया था, हम लोग भारत में देखे रिफॉर्म पढ़े थे ना 1991 का एक्सपीरियंस, तो वही यहाँ पे करा कि चाइना में इसमें आया था और यहाँ पे इतना में हम लोग में लेट से आया था रिफॉर्म। तो हम लोग का रिफॉर्म का कोई ज़्यादा प्रभाव उतना पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आया था, काफ़ी चेंज मिला था देखने को। लिबरलाइजेशन ऐसे स्टार्ट हुआ था, पढ़े होंगे पीछे चैप्टर में ना। डेवलपमेंट क्या स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया, अब इंडिया का क्या स्ट्रेटजी है ना, वही तो बोला स्ट्रगल कहाँ से, स्ट्रेटजी क्या रणनीति अपनाई थी, कैसे डेवलपमेंट भारत किया था, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। साउंड ट्रेड सिस्टम, साउंड ट्रेड सिस्टम क्या है, इसके बाद क्या है, रिडक्शन इन पॉवर्टी में क्या है, इसके बाद रूरल डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है, इतना चार चार पे काम किया था, कैसे कैसे देखिए। साउंड ट्रेड सिस्टम क्या है, साउंड ट्रेड सिस्टम का, इंडिया वाज द कंट्री विच हैज़ हिस्ट्री ऑफ क्लोज ट्रेड। हम लोग जानते हैं कि भारत का हिस्ट्री कैसा, क्लोज ट्रेड, आज से नहीं बहुत पहले से, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम लोग जानते हैं कि भारत का क्लोज ट्रेड रहा था बाहर से भी, क्लोज ट्रेड कहने का मतलब कि भारत जो विदेश में दोनों का संपर्क क्या था, कंबाइन संपर्क था। एंड देयर इज चैलेंजेस फॉर द इंडिया इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू पॉलिसी विथ क्या विच सपोर्ट द न्यू ट्रेड सिस्टम। ठीक, उन लोग से कंबाइन ट्रेड था, ठीक, इसके अनुसार न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए क्या हुआ कि पहले का जो भी सिस्टम था, चलिए देखिए क्या कर, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देखिए भारत का बैकग्राउंड रहा था हिस्टोरिकल, बहुत पहले से व्यापार करता है। देर इज क्रिटिकल चैलेंज फॉर द इंडिया इन ऑर्डर टू क्या मेक ए न्यू पॉलिसी विच द कैन सपोर्ट द न्यू ट्रेड सिस्टम। देखिए उन लोग से व्यापार था तो इसके पास चैलेंज था कि हम लोग नया पॉवर्टी यानी कि क्या नया पॉलिसी लाना है जो कि हमारे डेवलपमेंट को क्या करे या हमारे विकास को, हमारे ट्रेड को क्या ग्रोथ लाए। चैलेंज था इसके सामने क्योंकि हम लोग विदेश से ट्रेड कर रहे हैं तो विदेश का जो भी सिस्टम रणनीति है उसको अपनाना होगा। तो उसी के साथ हम लोग जब कंपेयर करके चलेंगे ना तब हम लोग भी डेवलप कर पाएंगे, यानी हम लोग के लिए चैलेंज है। तो दिस न्यू रिफॉर्म, फिर ऐसा रिफॉर्म लाया, जब चैलेंज लाया, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द इंडियन इकोनॉमी एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। फिर चैलेंज को ख़त्म करके और जो भी बाहर से देख रहा था कैसे कैसे डेवलपमेंट ग्रोथ कर रहा है तो उसी अनुसार लाया ट्रेड सिस्टम बाहर से किया और इसके साथ साथ क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ इसका भी होने लगा था। ठीक है ना, बहुत पहले से क्लोज ट्रेड है ना भारत का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं कि भारत का व्यापार विदेश से होता था तो इसके रीजन से भारत का थोड़ा सा चैलेंज मिला कि विदेशी संपर्क में आया तो काफ़ी चैलेंज करना पड़ा, उसके बाद सोल्व किया तो पहुँच चुका वहाँ पर। तो यहाँ पर वही कर रहा है कि साउंड ट्रेड सिस्टम। आगे देखिए रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में कमी लाया, हम लोग भी जानते हैं बहुत सारे पॉवर्टी प्रोग्राम आए थे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी चैप्टर पढ़े थे। तो वहाँ बोल रहे क्या क्या बोला इसमें, इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर आ गया, जब हम लोग बताए थे रिड्यूस पॉवर्टी को घटाना इंडिया में, दिस वुड बी हेल्प इन द इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम। पॉवर्टी जब हटा, प्रोग्राम हटा, तो पर कैपिटा इनकम लोगों का इनकम बढ़ चुका था। एंड राइज इन न्यूट्रिशन लेवल पोषण लेवल को बढ़ गया। एंड रिडक्शन ऑफ द पुअर इन सम स्टेट, और कुछ स्टेट में क्या हुआ, गरीबी की संख्या घट चुका था। रूरल डेवलपमेंट ये भी चैप्टर में हम पढ़े हैं, चैप्टर में देखें इसको। अंडर दिस स्ट्रेटजी इंडिया अडॉप्टेड क्या है वेरियस सिस्टम डेवलपमेंट एरिया एंड सबसे जो नबार्ड सबसे फेमस था रूरल डेवलपमेंट के लिए है ना, तो भी लैगिंग बिहाइंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। लैगिंग बिहाइंड जो डेवलपमेंट बहुत पीछे है गांव देहात में, तो उस समय डेवलपमेंट लाने के लिए कोशिश किया था, काफ़ी सुधार इसमें भी लाया था रूरल डेवलपमेंट में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया, देखिए सेवरल इकोनॉमी रिफॉर्म इनिशिएटेड विद जनरेट एम्प्लॉयमेंट कंट्री एंड देयर एम टू प्रोवाइड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट, यह सब अपॉर्चुनिटी प्रदान किया था, क्यों, बहुत सारे रिफॉर्म लानकर भारत में भी ऐसा किया था। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ चाइना का देखिए यहाँ से दिया था, गेंट लीप फॉरवर्ड एग्जाम में दे दिया था, क्या मोडल सर्टिफिकेशन दिया था, वी है। द कंपेन वॉज स्टार्टेड इन 1958 में, देखिए हम पढ़े थे ना मोडल सेट में। एंड ए बट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी, देखिए मैसेज बस के इंडस्ट्री करिए, पीपल इनकरेज सेटअप द मैसेज इंडस्ट्री इन देर बैकयार्ड, अपने बैकयार्ड में अपना क्या क्या फैक्ट्री लगाइए, फिर जो करना है आयरन पिघलाइए, लोहा बनाइए, तो ये सब हम बताया था ना, पूरा सब कुछ झोंक दिया था इसमें, आगे के लिए छलांग लाओ, डेवलपमेंट करो। अच्छा ग्रेट क्या है, ग्रेट
प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, प्रोलिटेरियन है ना, ग्रेट प्लोरेटेरियन है ये, क्या है कल्चर रिवोल्यूशन क्या है, कहीं दे सकता है एग्जामिनेशन में, ये तो दिया था कहीं भी दे सकता है। 1966 से क्या 1967 तक क्या है, 1965 में क्या हुआ, माओसे तंग स्टार्टेड ए कल्चरल रिवोल्यूशन, उन्हें ला दी, एक कल्चरल था सांस्कृतिक था, यह था इंडस्ट्री पे करने के लिए, एक कल्चरल था सांस्कृतिक रिवोल्यूशन था। इन दिस रिवोल्यूशन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल, मैंने स्टूडेंट जो हो गया प्रोफेशनल जो व्यापार करने वाले, वे आर सेंट टू वर्क एंड जो कंपनी वगैरह काम करते हैं ना जो प्रोफेसर तो वही होते हैं, एंड सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, इन लोगों को गांव में भेजा जाता था, देहात में जाइए वहाँ से कुछ सीख कर नया नया स्किल को आइए, और कल्चरल प्रोग्राम कैसे हम लोग कल्चरल संस्कृति पर डेवलपमेंट करना है वही रिवोल्यूशन करने का मतलब, कि रिवोल्यूशन लार्ज चेंज होता है ना, किसी भी रिवोल्यूशन का मतलब मार्केट नहीं होता, रिवोल्यूशन करने का मतलब कि सडन चेंज इन लार्ज स्केल, किसी भी स्केल पे क्या सडन चेंज व्यापक चेंज होता है ना, अचानक चेंज परिवर्तन आता है तो रिवोल्यूशन कहते हैं, तो रिवोल्यूशन कल्चरल पे यहाँ पे लाया गया था, और इन लोग का गांव जाते भेजा जाकर गांव से सर्च जाइए वहाँ से क्या क्या उन लोग को कल्चरल में सिस्टम है तो उसको लाइए, उस पर क्या थोड़ा चेंजिंग लाया जाएगा और नया सिस्टम लाया जाएगा, तो ये भी था। फिर रिफॉर्म लाया था क्या, 1978 में चाइना रिफॉर्म लाया था, क्या रिफॉर्म था देखिए 1978 में क्या, चाइना बिगन टू इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म फेज, बहुत सारे लाया क्या, दिस रिफॉर्म इनिशिएटेड द एग्रीकल्चर फॉरन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द गोल ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, रुक जाए एक सेकंड, गोल ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी वाज जनरेटेड अ सफिशियंट सरप्लस, बहुत सारे सरप्लस में ढेर सारे सामान आए एक्स्ट्रा सामान आए, एंड फाइनेंस द मॉडर्नाइजेशन एंड मेनलैंड ऑफ द चाइनीज कंपनी, ये सब इंट्रोडक्शन आई एक एग्रीकल्चर फॉर सब इन्वेस्टमेंट लाया, और ये सब रिफॉर्म जो हुआ ना तो इसके साथ क्या हुआ ना कि फाइनेंशियल मोड सब मॉडर्न हो गया, और साथ ही साथ चाइनीज इकोनॉमी क्या हो बहुत सारे डेवलपमेंट इसका तेजी आया सब रिफॉर्म जो लाया तब। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान, ये तो हटा दिया सिलेबस से, इसको पढ़ना नहीं हटा दिया तो बेकार टाइम पास करना, चलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आप चाइना पाकिस्तान के बारे में है तो नहीं देखेंगे, कंपेरेटिव इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना देख लीजिए, तीनों को मिलाकर देख लीजिए, तीनों से मिलाकर देख लीजिए। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल, पाकिस्तान का क्या है बहुत कम है, एंड अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ द चाइना एंड इंडिया, चाइना इंडिया की जितना पॉपुलेशन है उसका 1/10 अकाउंट पहले का है, अब तो पाकिस्तान पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, पहले का दिया 1/10। दो द चाइना इज द लार्जेस्ट नेशनल ज्योग्राफिकल अमंगस्ट द थ्री, डेंसिटी इज द लोएस्ट, डेंसिटी कम है लेकिन क्या कहें, दो द चाइना इज द लार्जेस्ट नेशनल ज्योग्राफिकल अमंग थ्री, जो नेशनल ज्योग्राफिकल मैंने सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है ना चाइना का है, एक सेकेंड, नेशनल ज्योग्राफिकल मैंने ज्योग्राफिकली एरिया जो है ना चाइना के तीनों में कंपेयर किया जाएगा तो चाइना का सबसे ज़्यादा है, ठीक एरिया के अनुसार। इसके बाद चलते हैं पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ इज द पाकिस्तान इज द पॉपुलेशन ग्रोथ इज द हाइजेस्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट कहाँ पे इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना, उसके बाद इंडिया में उसके बाद चाइना, पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे तेजी से पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रहा है अभी पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, चाइना तो कंट्रोल कर दिया अपना, इंडिया में भी कंट्रोल किया, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वन चाइल्ड नॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना, देखिए चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया था, इससे वहाँ पर कमी आ गया था इन द लेट 1960 द मेजर इन लो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने का कारण क्या है कि 1970 में एक सिस्टम लिया था कौन वन चाइल्ड नो, तो इससे क्या हुआ ना कि वहाँ पे कम हो गया, बट द मेजर स्लेट टू डिक्लाइन द सेक्स रेशियो, इससे क्या हुआ बहुत सारा सेक्स रेशियो में कमी आया, एंड दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल क्या है, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, तो सेक्स रेशियो में कमी आया था वहाँ पर क्या चाइना में देखने को गया। चलिए आगे देखिए, द सेक्स रेशियो इज द लो एंड द बेस्ट अगेंस्ट द फीमेल इन ऑल थ्री कंट्री, सब में सेक्स रेशियो कम है यानी कि लड़की कम है, 1000 लड़का पर लड़का लड़की देखा जाए तो बहुत कम है, एंड बाइस अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल थ्री, मैंने ऑल थ्री इकोनॉमी कर तीनों जो कंट्री है तीनों में क्या है बाइस्ट अगेंस्ट फीमेल्स इन, मैंने फीमेल्स के मतलब कि पक्षपात करता है महिला के प्रति, पक्षपात ना होता है कि तुम लड़की हो उस प्रकार, तो ऐसा तीनों में होता है, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल प्रिफरेंस प्रिवेलिंग ऑल दीज कंट्री, अ स्ट्रॉन्ग सोशल प्रिफरेंस प्रिवेलिंग, तीनों में सोशल प्रिफरेंस दिया जाता है किसको, सेक्स रेशियो लो एंड बाइस अगेंस्ट द फीमेल इन ऑल थ्री कंट्री, तीनों में सेक्स रेशियो कम है और बाइसनेस है महिला के अगेंस्ट देखा जाए ना तो उसको बाइसनेस में पक्षपात करता है महिला का नहीं पुरुष को ज़्यादा ध्यान देता है, जो स्ट्रॉन्ग क्या है सन प्रेफरेंस, सन प्रेफरेंस लड़का लोग ज़्यादा चाहता है कि लड़का हम लोग चाहिए, सन प्रेफरेंस प्रिवेलिंग इन ऑल थ्री ऑल दीज कंट्री, तीनों कंट्री में क्या है सन का प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। फर्टिलिटी रेट इज लो इन द चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान, फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब एक महिला जो होती है वो कितना बच्चा पैदा करती है एक ईयर में एक साल में वो कितना बच्चा, तो चाइना में तो 1. कुछ है और इसके में 2.5 है इसका रेट, एक मतलब 2.5 बच्चा पैदा करती है रेशियो में, और इंडिया में कम, इंडिया में शायद 2 है, इन दोनों के बीच में होगा, चाइना में कम है, उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर एक महिला करती है।
क्या अर्बनाइजेशन इज द हाई इन द बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों में अरब शहरीकरण ज़्यादा है विथ हैविंग द 28% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया, कहाँ पर, पाकिस्तान में और चाइना में 28% कहाँ पर रहता है, एक सेकंड, विथ इंडिया हैविंग 28, इंडिया में 28% शहर में लोग रहते हैं लेकिन चाइना पाकिस्तान में क्या है ज़्यादा रहते हैं शहर में, अब भारत में 68% रहते हैं गाँव में। चलिए ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड सेक्टर, ये क्या है GDP सेक्टर, इससे तो कंपेयर किया जाता है, कोई भी कंट्री का कंपेयर करना था GDP पर कैपिटा इनकम इस हिसाब से कंपेयर किया जाता है, तो देखते हैं क्या क्या GDP से, तो पढ़ेंगे 2 ईयर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी देखना है। देखिए डाटा एग्जामिनेशन नहीं देता है, डाटा से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, डाटा दिया रहेगा उस डाटा का बेस्ट पे कुछ पूछ सकता है, कम है बेसी है, लेकिन डाटा क्वेश्चन डाटा से नहीं रहते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट GDP, इसका सबसे ज़्यादा है, इतना ट्रिलियन 2013 में देखा है GDP, इतना ट्रिलियन पाकिस्तान का, इतना ट्रिलियन, ये सब कोई डाटा से कोई मतलब ही नहीं है, देता ही नहीं डाटा से, ठीक है ना, तो बस इतना रखिए चाइना है द सेकंड लार्जेस्ट GDP इसका है, ठीक। PPP पर कर कुछ होगा पर ईयर ऐसा होता है, इसका फुल फॉर्म देखिएगा नहीं पता अभी। ऑन दिस पाथ ऑफ डेवलपमेंट द चाइना एवरेज ग्रोथ इतना है इसका, विल द इंडिया का एवरेज पाकिस्तान के दिनों का दिया है, इंडिया का कितना 5.8 और पाकिस्तान का 4.8 है एवरेज ग्रोथ रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है अभी कितना चाइना का है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान। इन द चाइना ईयर 2011 में 37% वर्क फोर्स एंगेज इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में थे, एंड कंपेयर करने के लिए डाटा दे देगा, कंपेयर करने को बताएगा, देखिए इसमें कौन एग्रीकल्चर में कौन कितना कौन आगे है कौन पीछे है, डाटा से क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, डाटा से आपको फैक्ट लिखने के लिए नहीं देगा। कंट्रीब्यूशन टू GDP, GDP में उसका कंट्रीब्यूशन 9% था, किसका, एग्रीकल्चर का। विल इंडिया एंड पाकिस्तान कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर सेक्टर GDP अबाउट 19 और 21%, इंडिया करता है 19% GDP में, अभी करता है 21% GDP में, ठीक है। और अबाउट 56% इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पे 37% था, यहाँ पे 56% एग्रीकल्चर सेक्टर में है। विल द पाकिस्तान इज द फिगर ऑफ 40 एग्रीकल्चर, 40 मतलब 45% का पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, तो यही डाटा दिया हुआ डाटा, ये यहाँ पे देखिएगा इसका GDP का कंट्रीब्यूशन 9%, ठीक है, किसमें GDP कंट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चर, और इसका एग्रीकल्चर देता है भारत का 56% और नहीं 90%, एक मिनट इसको क्लियर करिए, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 9% देता है इसका GDP में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर, जो 37% लोग इस पर एंगेज रहते हैं, 9% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है GDP में एग्रीकल्चर का। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का वो कितना है, 19% और 21%, ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोग एंगेज रहते हैं, 50% या 56% एंगेज है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में 45 तो उससे ज़्यादा बोले हैं, तो GDP में ज़्यादा रहता है, मैंने ज़्यादा GDP में ज़्यादा पैसा देखेंगे ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग आता है, चलिए उसका आता होगा टर्शियरी से या सेकेंडरी से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता होगा। इन द चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट, देखिए हाईएस्ट क्या बोले, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहता 47% वेर इंडिया इन द पाकिस्तान क्या है, इट इज़ द सेवरल सेक्टर कंट्रीब्यूट हाई कहता 50% GDP में, 50% देता है उसका, एक सेकेंड, चलिए इससे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का देखा था ना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा चाइना का जहाँ था ना खर्च, वहाँ 47% है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान इट्स सर्विस सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू हाईएस्ट GDP कहता मोर देन 50% भी यहाँ पे हम लोग भी करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी देखे थे कैसा सिस्टम, और इसमें भी देखे GDP में मैंने भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में कंपेयर किया जाए तो 50% से अब करता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी करता है, ऐसा बात नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करता है, ठीक। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर 56 ये केवल एग्रीकल्चर के यहाँ पर दिख रहा है, केवल एग्रीकल्चर का दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का, हाँ वही होगा। चलिए डाटा से दे देता हूँ, चलिए डाटा कंपेयर कर लेंगे, देगा कौन एग्रीकल्चर में कर रहा है कौन किस में कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दे नहीं रहा है मॉडल में भी नहीं दे रहा है, हम देख रहे हैं वैसा क्वेश्चन दे नहीं रहा। थ्रू द फॉलो विद द सोशल डेवलपमेंट, एक सेकंड रुकिए, दो द चाइना है द फॉलो विद द क्लासिकल डेवलपमेंट पैटर्न फ्रॉम द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग टू, देखिए जो बताए थे कि चाइना पहले क्लासिकल डेवलपमेंट किया था, पहले कहाँ, पहले ग्रेजुअल धीरे धीरे शिफ्ट किया, कहाँ से एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद सर्विस में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में डायरेक्ट शिफ्ट कर गया था, कहाँ से, डायरेक्टली एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, ये मॉडल सेट में था कि इंडिया चाइना में सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, पहले एग्रीकल्चर में हुआ था, हम बताया था उस समय ना जब पढ़ाते थे। चलिए इन 1980 का बात है, इंडिया एंड पाकिस्तान ने चाइना एम्प्लॉय इतने रेस्पेक्टली क्या वर्क फोर्स इन द सर्विस सेक्टर में, लेकिन 2011 में देखा गया कि रिचर्स कितना 25-23% इन द सर्विस सेक्टर में, मतलब 1990 में कितना 17 इतने थे कि चाइना इंडिया में 17, चाइना में 12 और इसमें इतना, लेकिन 11 में बढ़ के होगी इसका, चाइना का होगा कितना
25 और इसका हो गया 33, इसका हो गया 35, यानी कि इंडिया का हो गया 25 रिस्पेक्टली, चाइना का हो गया 33 एंड पाकिस्तान का हो गया 35। तो देखें डाटा दिया हुआ किसके, एक सेकंड, सर्विस सेक्टर का दिया है ना, तो बढ़ा है किसका किसका बढ़ा है, देखिए इसको कंपेयर करने के लिए देता है। देखिए चाइना में कितना था 17, ठीक है, इंडिया में 17 था 17, अब इंडिया में कितना हो गया 25 बढ़ा है, चलिए ठीक है। इसका 12 था चाइना का, 33 बढ़ा है, उसके बाद 27 था इसका थोड़ा सा बढ़ा, तीनों का बढ़ा, तो तीनों के यहाँ। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है पाकिस्तान का, अच्छा ठीक है। यहाँ पर सबसे कम किसका, सबसे कम है भारत का, नहीं चाइना का है, यहाँ पर सबसे कम किसका, भारत का। तो कंपेयर कर देखिए भारत का सर्विस सेक्टर में कमी आया है, गिरावट आया है, तो ऐसे कंपेयर करके देखा जाता है। चाइना ग्रोथ वाज मेनली कंट्रीब्यूट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन रहता है। इन द बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान है द सर्विस सेक्टर इमर्जिंग है द मेजर प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन हम लोग का डेवलपमेंट का जो मेन रोल निभा रहा है कौन, टर्सरी सेक्टर निकाल रहे हैं, सर्विस सेक्टर निकाल रहा है, बैंक फाइनेंस ये सब होता है ना, और उसमें क्या है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो कंपनी होती है स्टील वगैरह, तो वही सब कंट्रीब्यूशन कर रहा है चाइना के डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देखिए 20 मिनट का हो गया, चलिए आधा घंटा का वीडियो बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, चैप्टर छोटा है, इसमें कोई खास नहीं है, चैप्टर थोड़ा सा कंक्लूजन आएगा उसके बाद खत्म बोलते ना, बोले चैप्टर छोटा है खत्म हो जाएगा। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट, हम लोग पहले से पढ़ चुके तो हम लोग आसान लग रहा है, कुछ टफ टाइप का है नहीं देता भी नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देखिए इसी से पता चलता है ना कि आपका कितना जो ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मेशन पड़ा ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कितना मानव पर कितना खर्च कर, हेल्थ और एजुकेशन पर कौन कितना खर्च कर पाया, इसके लिए थोड़ा सा देखिए। इन द मोस्ट एरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट द चाइना है द परफॉर्म बेटर, चाइना ज़्यादा खर्चा करता है दैन द इंडिया एंड पाकिस्तान पे। दिस इज द ड्यू टू द मेन इंडिकेटर पर कैपिटल इनकम विद जीडीपी पर्सन द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये बताता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा इसका किसका चाइना का, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं चाइना सबसे ज़्यादा खर्च करता है। एंड इन द हेल्थ इंडिकेटर है द मोर्टेलिटी रेट्स, एसएस लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्या मेनू नरिशमेंट, तो यह सब इंडिकेटर है दिखा रहा है कि चाइना किस पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करता है। मोर्टेलिटी रेट से मृत्यु दर वाला होता है ना, तो यह सबसे सफाई उपाय तो दिखा रहा है। मल न्यूट्रिशन कुपोषण वगैरह चाइना में कम है, तो लग रहा है कि हेल्थ मोडिफिकेशन ज़्यादा। पाकिस्तान इज द हेड ऑफ द इंडिया रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ क्या पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो परफॉर्म्स इन द ट्रांसफॉर्मिंग लेबर फोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एसेस टू वाटर बेटर देन इंडिया। देखिए अब चाइना ये पहले का बात होगा, अब का बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, कह रहा है कि पानी भी भारत से वहाँ पे अच्छा है और साथ ही साथ रिड्यूस किया प्रोपोर्शन में ज़्यादा है उसका गरीबी, मैंने घटा दिया लेकिन गरीबी तो वहाँ ज़्यादा है, ये पहले का डाटा पुराना है ना, तो इसीलिए लिख दिया एंड ऑल्सो परफॉर्म द बेटर ट्रांसफॉर्मिंग लेबर फोर्स टू एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल, मतलब लेबर से चेंजिंग करने में पाकिस्तान हमसे आगे है, हमसे आगे कहाँ पर है, जो डाटा सही नहीं है पहले का डाटा होगा, चाहे हो भी सकता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान तो गरीब है, तो ये पुराना डाटा हो सकता है स्टार्टिंग में होगा। चलिए कंट्री टू इट कंट्राडिक्टरी टू इट, अब तीनों में थोड़ा सा कंपेयर करके विरोधाभास क्या है, इंडिया इज द हेड ऑफ पाकिस्तान इन एजुकेशन सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग द हेल्थ सर्विसेज, लेकिन देखिए सब में तो ठीक है, यह सब में पाकिस्तान आ गया है, अच्छा पानी दे रहा है ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लिया एग्रीकल्चर से यहाँ तक कर लिया ठीक है, और साथ ही साथ अहेड हो गया रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में मतलब लोगों का संख्या पाकिस्तान में ज़्यादा है, हम लोग का कम है ठीक है, तो इस सब में आगे थोड़ा सा हुआ उसका पॉवर्टी लाइन में कम है, लेकिन इस चीज़ में हम लोग आगे हैं, इसका मतलब विरोध करते हुए इंडिया में कहा एजुकेशन में हेल्थ फैसिलिटी में हम लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, हम लोग पाकिस्तान से आगे हैं। इंडिया पाकिस्तान अहेड ऑफ द चाइना प्रोवाइडिंग द क्या है इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज, इंडिया पाकिस्तान आगे है किसे चाइना से किसे प्रोवाइडिंग करने में इम्प्रूव वाटर सोर्सेज में हम लोग आगे हैं किसे पाकिस्तान में। कंक्लूजन देख लीजिए थोड़ा सा, इंडिया परफॉर्म मॉडरेटरी हैज इट क्लियर फॉर्म, भारत का परफॉर्मेंस क्या है मॉडरेट है, इसका ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो है, हम लोग क्लियर ऊपर कर चुके हैं क्या है, देखिए क्लियर फॉर्म ए मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, भारत में अभी भी है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है लैकिंग इन द मेनी पार्ट ऑफ कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है जो बुनियादी ढांचा रोज रोड नली गली होता है ना पढ़ाई एजुकेशन, तो इसमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी कमी है। इसके बाद इट इज़ द एट टू राइज लेवल ऑफ लिविंग मोर देन 22% ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, कह रहा है कि इतना होने के बावजूद इट इज एट द क्या रेट ऑफ द राइज द लिव एक सेकेंड इट इज एट टू राइज द लेवल ऑफ लिविंग मोर देन 22% ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट्स लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, कह रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से वो जितने लोग थे तो उसमें से 22% से ज़्यादा लोगों का क्या है लेवल ऑफ लिविंग को क्या क्या राइज किया है, जितने पॉवर्टी से नीचे थे ना तो वहाँ से 22% लोगों को आगे किया पॉवर्टी लाइन से लाने में मदद किया भारत, लेकिन भारत कैसा है मॉडरेट अभी थोड़ा सा। पाकिस्तान एंड परफॉर्म क्या है पुअरली, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस पुअर है,
द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ है तो देगा नहीं, पाकिस्तान हटा दिया है एंड इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी। कब है पोलिटिकली कभी नेता कोई रहता है, कभी कोई रहता है, स्टेबल है नहीं, ठीक। वोलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सही से नहीं हो पाता परफॉर्मेंस। ओवर डिपेंडेंस ऑफ क्या है रेमिनेंट्स, मैंने भत्ता वगैरह दूसरे से लोन लेने पैसा लेने में उस पर डिपेंड रहता है एंड डिपेंडेंस ऑन द फॉरन लोन वगैरह वही होता है एंड लोन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी टू पेइंग बैक, और पैसा वापस भी नहीं देता, इसके लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है। पाकिस्तान देगा नहीं, पाकिस्तान सिलेबस में हटा दिया है, ठीक। चलिए चाइना का देख ले, चाइना परफॉर्म कंपेरेटली द बेस्ट एज क्लियर फ्रॉम चाइना, अच्छा करता है। कैसे सक्सेस इन द राइजिंग लेवल ऑफ क्या ग्रोथ ऑफ द एलॉन्ग विथ एलिवेशन पॉवर्टी, मैंने गरीबी हटाते हटाने के साथ ग्रोथ लाया है तो हम लोग से अच्छा है, ठीक। इट इज़ यूज द क्या मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी विथ द पॉलिटिकल कमिटमेंट, मैंने पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ मैंने पॉलिटिकल क्या कमिटमेंट दोषी वगैरह देने वाला, मतलब कोई पॉलिटिकल कुछ भी होता है ना, हम लोग भी देखते हैं कि एक नेता दूसरा नेता का क्या कंपेयर करके कंप्लेंट वगैरह करता है तो उसका कमिटमेंट होते भी रहता है, तो उसके साथ उसे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ क्या है मार्केट मैकेनिज्म देखता है, प्राइस जो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में रख लिया ना, मैंने देखता है कि एक तो होता है एक सेकेंड जहाँ पे मनी जो मेन होता है पैसा प्राइस वगैरह देखा जाता है मार्केट में करेंगे उसी में आता है एंड एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी भी देता है सबको, लोगों में सेवा देने का प्रदान करता है, तो हम लोग से आगे है चाइना, ठीक है। एक सेकंड बताया सोशल, एक होता है सोशल, उसका नाम क्या था रुके तो एक सेकंड, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखा है ना मार्केट में करेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, देखिए मार्केट में किस पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, ठीक ना, तो सोशल डेवलपमेंट वगैरह की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। By the retaining the collective ownership of the land and allowing individual cultural land and the China has ensured the social security in rural area. क्या retaining land collectively, क्या बोलते हैं land ownership सब अपने पास रखता है और सबको क्या land allowing the individual को cultivate land और सब individual को land अपने पास रखा है कलेक्टिवली ओनरशिप ऑफ द लैंड, मैंने सारे एक ही साथ रखा सारे लैंड को और सबको सारे लैंड को और सभी को देता है, क्या बोलते हैं जितने हैं ना सबको देता है आप लोग करिए, लेकिन जो इस पर पावर मेरा रहेगा मेरा अधिकार रहेगा लैंड पे आप लोग के लिए, केवल कल्टिवेट करने के लिए खेती करने के लिए देता है लैंड एंड चाइना हैज इंश्योर सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया में क्या सोशल सिक्योरिटी क्या इंश्योर क्या सुनिश्चित किया है यानी आप लोग को क्या सामाजिक सुरक्षा देंगे, मैंने गाँव में भी और शहर में तो डेवलपमेंट कर ही रहा है। लास्ट में क्या है पब्लिक इंटरवेंशन इन द प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अबाउट क्या पॉजिटिव रिजल्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इन चाइना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंटरवेंट मैंने हस्तक्षेप होता है ना, तो लोगों का हस्तक्षेप इन द प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक बुनियादी देने में एंड ब्राउट अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है इसके अंदर यानी कि सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बनाया था इन द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडिकेटर इन चाइना, तो यह सब दिखा रहा है कि चाइना का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे विकसित कर रहा है और हम लोग से कितना आगे है, ठीक। और इंडिया पीछे, इंडिया मॉडरेट है और पाकिस्तान तो काफ़ी पीछे है, तो देखिए ना छोटा चैप्टर था, कोई खास था नहीं, तो जो भी था उसको मैं डील कर दिया मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे दे दूंगा और साथ ही साथ मॉडल से तो कर दिया, बाकी सब कंप्लीट है। चलिए और भी उधर जो चैप्टर बच चुका है क्या बोलते हैं करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बस इसके बाद कहीं से कुछ नहीं बचेंगे, फुल में फुल 90+ तो बिल्कुल आएगा, इतना सब कर लीजिएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो आधा घंटा का वीडियो बना है, 2-3 मिनट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, स्लो करेंगे, ठीक है ना। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मॉडल पढ़ लीजिए, ठीक, मॉडल को रिवीजन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सारा चैप्टर का एक एक वीडियो बनाया हुआ उसको देख लीजिए, ठीक है ना, वहाँ से जो लेगा इंपॉर्टेंट उसको याद कर लीजिएगा, जो नहीं लेगा उसको छोड़ दीजिएगा, बस ऐसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाऊंगा, ठीक। बस इंग्लिश में 2-3 चैप्टर है तो उसको 1-2 दिन में करके उसको भी खत्म कर दूंगा, उसका मॉडल सेट में एक बच चुका उसको भी डाल देता हूँ और इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं साथ में दे दिया हूँ, अलग से देना है नहीं, और ग्रामर सेक्शन सारा जो पढ़ाया हुआ ना मॉडल सेट सोल्यूशन, तो उसमें ग्रामर सेक्शन सारा बात बता दिया हूँ, तो इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 4 दिन में मेरा सब कुछ काम खत्म हो जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग का काम बच जाएगा। अभी अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, 10-15 दिन टाइम है, 10-15 दिन आप क्या करेंगे पूरा रिविजन पूरा सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, टाइम से पहले सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया, मेरा जिम्मेवारी खत्म हुआ, मेरा जो चैलेंज था बस बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इकोनॉमिक्स में तो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, चैप्टर तो मेरा नहीं हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देख मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आप लोग के साथ हूँ, तो आप लोग को खुश रहना चाहिए, अभी से क्लास 12 तक कोई नाराज कि कोई उदासी नहीं, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बस नंबर लीजिए 9142042534 9142052534 आशुतोष कुमार, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी मैसेज कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, कुछ सीख पाए कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो, एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, तब तक लिए खुद से पढ़िए आगे बढ़िए एंड तूफान मचा दीजिए, जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग मेरे दोस्त एंड प्लीज शेयर ओके 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 ओके। वीडियो को थोड़ा सा सोच रहे थे ना कि
30 सेकेंड चलिए चलिए इंड करते हैं। ओके थैंक्स थैंक्स थैंक्स।